होंगे फ्रेंड्स, सब मजे में होंगे। तो देखिए मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी है ना मैं कहीं जा रही हूँ। तो जैसे हमारे घर के पीछे हमारे पड़ोसी हैं, उनकी लड़की की शादी है, तो बस उनकी लड़की की शादी है तो हम जा रहे हैं माताजी पूजन में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे माताजी पूजन में आई ना, तो यहाँ पे देखिए ढोल पे डांस हो रहा था, नाच रही थी। तो ये है दुल्हन की भाभी, तो ये नाच रही थी और थोड़ा बहुत हमने भी नाचा था, तो बैंड तो नहीं किया था, ढोल था तो ढोल पे ही नाच लिए थे। और यहाँ पे शीतला माता जी की पूजा करने के बाद में जो पास में कालका मैया थी तो फिर उनकी भी पूजा करी थी, और उसके बाद थोड़ा सा माता जी के ओटले पर भी नाच लिए थे। और फिर मैं आ गई थी घर, तो घर आने के बाद मैंने क्या देखा कि भावना कपड़े धो रही थी। तो भावना को मैंने पहले तो डांटा कि तुमने कपड़े क्यों धोए, मैं आके धो लेती। और मैं उसको बोल के भी नहीं गई थी कि कपड़े धो, लेकिन फिर भी धो लिए उसने। तो फिर मैंने कहा चलो मैं डलवा देती हूँ तो थोड़ी मदद हो जाएगी। तो अभी मैं भावना के कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ छत पे, तो हमने कपड़े सुखा दिए। उसके बाद भावना ने पौधे में पानी डाल दिया है, पौधों को बिल्कुल भी नहीं सूखने देती है भावना, ज़रा से सूखते हैं और फिर पानी डाल देती है। तो इसने पानी डाला ना, जब तक मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी लीम की छाया। और देखिए फिर नीचे आने के बाद में सब काम कर लिया है हमने, सब काम से फ्री हो गए हैं, तो काम ख़त्म हो गया है। और काम ख़त्म होने के बाद में फिर बैठ गई हूँ मैं देवांश को लेके। तो देवांश और हम दोनों है ना मस्ती ठिठोली कर रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। तो मैं इससे ना पूछ रही थी मजाक में कुछ भी और ये बता रहा था। और फिर ऊपर छत पे आ गई थी, तो हम भावना देवांश को पढ़ाई करवा रही थी जब तक मैं हर्षिता की चोटी कर रही थी। और बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, अगर बच्चे एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं ना तो फिर मन नहीं लगता है, घर पूरा खाली हो जाता है। तो बच्चों से ही घर अच्छा लगता है, और मेरा तो पूरा टाइम निकल जाता है बच्चों में, पूरा दिन ऐसे ही बच्चों में निकल जाता है मेरा। इससे है ना बच्चों की वजह से मैं कुछ बाहर का काम करने भी नहीं जा सकती हूँ, तो ही मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग शुरू करूँगी। और देखिए फिर है ना बच्चों ने जिद की थी, तो तरबूज रखा था फ्रिज में, हस्बैंड जी तरबूज लेके आए थे। तो अभी गर्मियों में तो तरबूज ज़्यादा ही चल रहा है, तो बस तरबूज कट कर लिया है और ये ठंडा हो गया था ना, तो फिर आज जूस नहीं बनाऊँगी इसका, आज ही इस तरीके से ही काट के पीसेस में और बच्चों को दे दूँगी, तो बच्चे है ना खा लेंगे। तो ये बच्चों के लिए काट रही हूँ मैं, और मुझे पता ही नहीं चलने देते हैं। और जैसे ही पापा की गाड़ी आती है सीधे उसमें से तरबूज या शक्करबट्टी कुछ भी पपीता हुई कुछ भी उठा के ले आते हैं, बस फ्रिज में रख देते हैं। तो और चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।